जय हिंद। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जो पत्रकारों के अंदर में जो एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत दिक्कतें हैं, इनको लोग पसंद नहीं कर रहे, इनको लोग वोट नहीं देंगे, इनसे बागी हो चले हैं, चुनाव हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे होगा वैसे, जो भी तरह के तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन आज पहली लिस्ट जब कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जब जारी हुई है, कांग्रेस में जब बगावत शुरू हो गई, पहली लिस्ट आते ही विरोध अलग चीज़ें होती है राजनीति के अंदर, लेकिन राजनीति में जब बगावत अलग चीज़ हो जाती है, दोनों अलग अलग है। टिकट मिलने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टिकट मांगते हैं, बहुत सारे लोग जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो नाराज हो जाते हैं, और पार्टी के बड़े नेता शीर्ष नेता जाते हैं उनको मनाते हैं। जब राजनीति में ऐसा होता है, जब पार्टी से इस्तीफा देने लगे, सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करने लगे, तब जाकर के स्थितियां बदल जाती है और दूसरी होती है, और यही स्थिति है कांग्रेस के अंदर भी। तो कम सबसे पहले हम बुंदेलखंड के अंदर जाते हैं। बुंदेलखंड के अंदर जो टिकट का जो बंटवारा हुआ टीकमगढ़ के अंदर छतरपुर जिले के भीतर, वहां की बात अगर हम करें तो सबसे पहले बगावत और सबसे बड़ी कांग्रेस के अंदर जो बगावत हो रहा है, यही दो जिलों से शुरुआत हुई है। और इस इधर जो है सो कांग्रेस के अंदर से ये पहली लिस्ट की बात कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची पे पत्रकारों ने के उपाध्यक्ष मीडिया विभाग के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अजय यादव, वहाँ टीकमगढ़ के अंदर एक खरगापुर सीट आता है, इनके पिताजी भी वहाँ पे पहले विधायक रह चुके हैं बहुत पूर्व में, ये लगातार वहाँ से टिकट मांग रहे थे। 2018 के अंदर भी उन्होंने टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला उन्हें टिकट। वहाँ गौर बंधु है, उनका काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक दबदबा वहाँ पर माना जाता है, लेकिन उनको टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसी के साथ साथ जो टिकट बंटवारा हुआ, इसी के साथ साथ जो कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह भी शुरू हो गया कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, क्योंकि वहां पर कमलनाथ अपने बहुत सारे लोगों को टिकट दिलवाने में सफल रहे, जिनको उन्हीं के पार्टी के नेता कमलनाथ के गैंग के लोग हैं या कमलनाथ के जो तरफ जो झुकाव रखने वाले हैं, जो उनकी बात सुनने वाले हैं, बराबर विरोध करते हैं, वैसे वैसे बड़े बहुत सारे नेता जो लगातार तीन तीन चुनाव लगातार हारे हैं, इस बात को भी लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत चलेगी, क्योंकि हारे हुए लोग जब दो तीन बार हारे हुए लोग को उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है। यह मसला सिर्फ भाजपा का नहीं, बीजेपी का नहीं, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का मसला उछला है। अब पत्रकार विभाग के उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया, ददिया से अवधेश नायक थे उन्होंने पुतला फूंक दिया, इस्तीफा उन्होंने भी दे दिया। केदार कसाना है, इन्होंने पुतला फूंक दिया, इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, त्याग दे दिया। ये वो लोग हैं कांग्रेस के अंदर जो दावेदार थे, टिकट के प्रबल दावादार हुआ करते थे, लेकिन एक क्षेत्र के अंदर अपने विधानसभा में ठीक ठाक प्रभुत्व रखते थे अपने नेता के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी नज़दीकी कमलनाथ से है, और कमलनाथ से है इसीलिए उन्हें टिकट नहीं मिला। अब यह बात जो उठ रही है मध्य प्रदेश के भीतर कि जब कमलनाथ के लोगों को टिकट ही नहीं मिला तो फिर ये टिकट बंटवारा कर कौन रहा। एक चीज और इसमें साफ है कि दूसरी बात है कि दिग्विजय सिंह जो है, इस समय पूरी छवि जो है कमलनाथ वर्सेज दिग्विजय सिंह की हो चली है। क्यों है ऐसा? क्योंकि दिग्विजय सिंह बिल्कुल नहीं चाहते कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के भीतर। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि अब अधिक से अधिक अपने नेताओं को टिकट दिलवा ले जाऊंगा, तो जब ऐसा मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो मैं सिंधिया की तरह ही दबाव बनाऊंगा कांग्रेस के ऊपर, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। राजनीति का जो पूरा मिजाज होता है ना, खेल होता है ना, बहुत अजीबो गरीब होता है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर यही स्थिति अभी के समय में मध्य प्रदेश के भीतर ऐसा है कि दिग्विजय सिंह को कमलनाथ जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो चुनाव प्रचार भी करे, क्योंकि दिग्विजय सिंह उल्टा सीधा बोलते हैं। कांग्रेस में कमलनाथ यह भी चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व में नया प्रचार करने के लिए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग हैं जो लगातार हिंदू विरोधी जो होने की बात जो किया जा रहा है, और हो भी उसे बहुत डाउट क्लियर है, इसमें बिल्कुल साफ है कि कुछ दिन में ऐसा क्रियाकलाप जरूर होता है, और आगे इससे अगर बढ़कर के और देखिएगा समझिएगा प्रयास कीजिए तो इसमें जो है साफ होता है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर से मध्य प्रदेश के भीतर में जो कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद जो पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस को पार्टी की जो टिकट नहीं मिला, तो बहुत सारे टिकट के दावेदारी जो अजय यादव ने पार्टी के रहा उन्होंने इस्तीफा दिया। अजय यादव ने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताते हुए भी टीकमगढ़ जिले में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या जो है 70% है, और टीकमगढ़ जो जिला है उसमें लगभग 4 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें एकदम सही कहना कि वहाँ पे लगभग 70% के आसपास जो है पिछड़े मतदाता हैं, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में
यादव हैं और भी कई हैं जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़े मतदाताओं को 70% भागीदारी है। और चार सीटों पे जो वहाँ तीन सीटें जो है वो स्वर्णों पे चली गई। तो जो राहुल गांधी दिन भर ये कहते रहते हैं कि पिछड़ों को भागीदारी मिल गया, इतने लोग हैं, आप कितने ओबीसी के जाति जनगणना कराएंगे, तो फिर उसकी भी फोल खुला जा रहा है कांग्रेस के भीतर से। और ये कोई और नहीं फोल खुल रहा है, इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष पत्रकार जो है प्रवक्ता मीडिया के अजय यादव खोल रहे हैं। इस तरह के कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बगावत जारी है, बागी बन रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ केवल बीजेपी के अंदर, भाजपा के अंदर ऐसा है। इन्होंने कहा सीट के एक ही वर्ग के प्रत्याशी को तीन सीटों पर उतार दिया है, जो जिनके 2-3% से ज़्यादा वहाँ पर उनके लोग नहीं है, उनके समुदाय से लोग नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पिछले चुनाव में हारे हुए हैं। ये अजय यादव है, उपाध्यक्ष हैं पत्रकार विभाग के, मध्य प्रदेश भीतर के कमेटी के जो एक डेलीगेट्स भी हैं, प्रवक्ता भी है। उन्होंने इस्तीफा लेकर के कांग्रेस पार्टी को दे दिया, कमलनाथ जी को इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी को आप चलाइए, देखिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। उसी